और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल ने यूरोप में तैनात अपने जवानों को वापस बुला लिया है। उन्हें वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा गया है। दरअसल फिलिस्तीन के साथ इसराइल का युद्ध लगातार जारी है और गाजा पट्टी से लगता हुआ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइल ने भी लेबनान की सीमा पर और गाजा पट्टी की सीमा पर सेना की तैनाती की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इसराइल ने यूरोप में तैनात अपने जवानों को वापस बुला लिया है। दरअसल उन्हें वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा गया है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के साथ इसराइल का युद्ध लगातार जारी है और गाजा पट्टी से लगता हुआ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। आप ये समझिए, युद्ध में हिस्सा लेने के लिए ये सैनिक जो है इन्हें वापस बुलाया गया है। और साथ ही इसराइल ने लेबनान की सीमा पर और गाजा पट्टी की सीमा पर सेना की तैनाती कर दी है। तो इसराइल में हमास के हमले के चौथे दिन भी खौफ और सन्नाटा छाया हुआ है। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से सटे हुए इसराइल के सीमावर्ती शहरों पर रह रहकर रॉकेट दाग रहे हैं। जिस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम इसराइल के एस्केलॉन शहर में मौजूद थी, उसी वक्त हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया, जिसके बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम जान बचाने के लिए कार से उतर कर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागी। इजरायल में आसमान से मौत कब बरस जाए कुछ पता नहीं। इजरायल में सड़क पर चलती कार पर मिसाइल कब आकर गिर जाए कुछ पता नहीं। और इजरायल में जो घर से बाहर निकला उसके जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से एक साथ 7,000 रॉकेट इसराइल की जमीन को खून से रंगने के लिए उड़े, जिसे देखकर पूरे इसराइल में अफरा तफरी मच गई। सायरन सुनते ही सड़क, बाजार, स्कूल, ऑफिस और पार्कों में मौजूद लोग अपने घरों की ओर दौड़े। जो खुशनसीब थे वो अपने घरों में बने बंकरों में महफूज हो गए, बाकी लोग हमेशा के लिए दफन हो गए। इसराइल में ठीक वैसा ही आलम हमले के 4 दिन बाद भी है। मंगलवार को भी सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े। न्यूज 18 की टीम ने इसराइल में खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से देखा और मौत के उस डर को महसूस किया। न्यूज 18 की टीम इसराइल के उस शहर में मौजूद थी जहां हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया था, वो शहर है अश्केलोन। इसी दौरान हमले में एक बार फिर इसराइल पर रॉकेट दाग दिए गए, जिसके बाद हमारी टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागी। इधर रॉकेट, रॉकेट, यहाँ धुआं, आप देख सकते हैं। इसराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया, दक्षिणी शहर है इसराइल का। और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दें। एश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इसराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहाँ से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं, रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं, बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है। और लगातार इसराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं। ये सायरन की आवाजें, जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए, आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं, गाड़ी से हम लोग उतरेंगे, क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट, आप देख सकते हैं। करम दिखाइए, रॉकेट, रॉकेट इधर, रॉकेट, रॉकेट, यहाँ धुआं, आप देख सकते हैं किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है, लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है इसराइल और हमास के बीच में। जो स्थिति है, न्यूज 18 इंडिया की टीम न्यूज
न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे, हम लोग यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई, सायरन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं, जो रोड पे कुछ लोग थे वो देख सकते हैं गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे, करम आप तस्वीरें दिखाइए, ये देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते हैं, इधर यहीं से धमाका हुआ, हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है, ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा धुआं है, बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जाते, इधर की तस्वीरें दिखाइए। न्यूज 18 की टीम के साथ भारतीय मूल का एक यहूदी परिवार भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि इजराइल में सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित जगह तलाश कर वहां छिप जाते हैं ताकि हमास के हमलों के शिकार ना हो। इस परिवार ने भी यही किया, जैसे ही सायरन सुनाई देने लगा वैसे ही उस परिवार ने बीच सड़क पर कार रुकवा कर सभी को नीचे उतरने को कहा और सभी लोग एक दीवार की आड़ में छिप गए। अरे सर रिकी शाही है, रिकी जी अभी हमने जो माहौल देखा पूरे के पूरे वॉर जोन में फंस गए थे, इसी तरह से बार बार हो रहा है? यस यस, दिस इज आवर लाइफ, वी आर डूइंग दिस ऑल द टाइम, दिस वी व्हाट वी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम्स, ऑल द डेज, ऑल द नाइट, एंड यू जस्ट नाउ। बिल्कुल, हम तो बहुत सहम गए थे, डर गए थे, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और ये दीवार जिस तरह से